And I think my dog is here. Let me check. Whiskey. थोड़ा अलग सा मौसम नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा अलग लग रहा है। मैं इस मौसम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ लोगों के लाइफ के मौसम की, जहाँ पे शादियाँ जो इतनी कॉमन हो चुकी है, मतलब हर इंसान का कोई ना कोई फ्रेंड जो है वो शादी कर रहा है। ऐसा लग रहा है लॉकडाउन में जो है वो टाइम मिला है लोगों को कि हम शादी करें, और ये चीज़ इतनी कॉमन हो चुकी है कि मैंने इसके ऊपर मीम्स भी देखना शुरू कर दिए। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोस पीपल हुआ गेटिंग मैरिड। और मैं तो यहाँ ये सोच रहा हूँ कि मैं कंसिस्टेंट कैसे हो जाऊँ, मैं यूट्यूब पे क्या चल रहा है। बाय द वे, ऐसा कहते हैं कि अगर आप कोई आइडिया प्लान कर रहे हो, मतलब आप कुछ सोच रहे हो, कोई यू नो इंस्टेंट आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाए, तो स्टूडियो स्पेस वो ऐसी स्पेस होनी चाहिए जो इतनी ऑन पॉइंट और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे आप झट से जाओ और उस वीडियो को इम्प्लीमेंट कर लो। एंड लुक एट दिस, ये मैंने कोशिश करता हूँ मैं अपना एरिया बनाने की, बट अब आइडियाज आ रहे हैं तो आइडियाज को कहाँ रखा जाए, तो उसको हमने नोट डाउन कर लिया। एंड गेस व्हाट, ये जो मैं स्टिक यूज़ करता हूँ ये अब ख़राब हो चुकी है। 2017 में मैंने ली, नहीं 2018 में ली थी, 3 साल हो गए। MI की स्टिक है, काफ़ी अच्छा काम दे रही थी, बट जो होता है, जो हैंडल होता है वो ढीला हो चुका है, तो अब नया लेने का टाइम आ चुका है। उसी के साथ साथ मैं बात कर रहा था आइडियाज़ की। एक सेकंड देख लूँ, रिकॉर्डिंग चालू है। ओके चालू है। सो मैं बात कर रहा था आइडियाज़ की। अगर मैं अपने आइडियाज़ बताने की कोशिश करूँ और मैं ज़्यादा उसको ना स्ट्रेच करूँ, तो एक ऐसी जो चीज़ है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो है YouTube। सो मैं YouTube के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, वॉइस ओवर वीडियो, जिसपे ये है कि आई बी एक्सप्लेनिंग कि YouTube कैसे शुरू हुआ था, इनिशियली वायरल वीडियोज एंड वायरल वर्ड का इजाद कैसे हुआ था। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ यूट्यूब, दैट हाउ यूट्यूब हैज बीन स्टार्टेड। वो चीज़ जो आप तो इन्फॉर्मेशन जो है वो जाके देख सकते हो गूगल पे, विकीपीडिया पे, बट वट आई विल बी टेलिंग यू इज गोइंग टू बी वे टू डिफरेंट, एंड मैं आपको डीप डाइव कराऊंगा यूट्यूब की हिस्ट्री पे। सो यस, मैंने ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढी हैं जो कि मुझे लगता है कि अदर पीपल शुड ऑल्सो नो। दैट्स अबाउट इट। विल स्मिथ ने एक बात कही, वो बात कुछ ऐसी थी, इफ यू गॉट अ ड्रीम यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, विच मीन्स कि अगर आप कुछ सोच रहे हो और कुछ बनना चाहते हो तो मेक श्योर आपके रास्ते में जो भी चीज आए वो आपके ड्रीम पे इफेक्ट ना करे, उस टाइम पे इफेक्ट ना करे जो आप उस ड्रीम को दे रहे हो। इफ समथिंग इज हैपनिंग इन बिटवीन, दैट मीन्स दैट सर्टन थिंग इज हार्मिंग योर ड्रीम। अमेजिंग वर्ड्स बाय द वाइज मैन, विल स्मिथ फॉर लाइफ। अमेजिंग म्यूजिक, इसी तरीके का म्यूजिक जो मैं अपने व्लॉग्स में यूज करूंगा अभी आने वाले व्लॉग्स में, इस व्लॉग्स में आगे पीछे कहीं ना कहीं आप देखोगे। सो पहले क्या होता था, जब भी मैं कोई वीडियो शूट करता था और जब उसको एडिट करने की बारी आती थी, तो उससे 3 से 4 घंटे पहले मैं म्यूजिक को देता था और म्यूजिक ढूंढने में लगाता था, तो वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और मुझे हर कभी कभी ये थोड़ा थोड़ा करके जो है इरिटेटिंग हो जाता था, बट जब म्यूजिक मिलता था और अच्छा मिलता था तो काफी अच्छा भी फील होता था। तो अब जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा इसके कारण से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 80 से 90 म्यूजिक
म्यूजिक जो है वो डाउनलोड कर लिया है और एक एक म्यूजिक को मैंने टाइम दिया, एक एक जो सॉन्ग होता है, एक एक जो फाइल है उसको मैंने टाइम दिया है और उस पे अपबीट, इस पे कौन सा क्लिप्स में डाल सकता हूँ, किस तरीके का इमेजिन कर, तो वो एक जो है मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट दिया है। और ये ऐसी नहीं हुआ, ये मतलब कुछ प्लान नहीं था, मैं बैठा हुआ था सुबह सर्फ कर रहा था, मैंने कुछ आर्टिस्ट की प्रोफाइल देखी साउंड क्लाउड पे, मैंने देखा ये तो गेम है ब्रो, ये तो गेम है, इसके मजे। मैं जैसी प्रोफाइल विजिट करी, कॉपीराइट फ्री कंटेंट मिला मुझे, मैंने कहा निकालो निकालो, ये सब चाहिए, ये सब अपने लैपी में चाहिए। मैंने सुने सारे गाने एंड आई वॉज फीलिंग सो गुड एंड सो एक्साइटेड। जैसे होता है ना कि बच्चे को चॉकलेट मिल जाती है तो कितना खुश होता है, वैसे ही मुझे ये अच्छा म्यूजिक मिला तो मेरी खुशी का कुछ हिसाब ही नहीं है। ये चीज हो सकता है आप रिलेट ना कर पाओ, मे बी अ क्रिएटर कैन रिलेट। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वैसे मैंने एडिटिंग करी, पूरा व्लॉग बनाया, उसके बाद हमारा मिलने का सीन था, हमने सोचा कि हैंग आउट किया जाए, थोड़ा कैफे वैफे विजिट किया जाए। आज चल रही आई है आज है दिन एक, आज काटूंगा मैं केक। ये वाइब है, यहाँ मैं सेकंड टाइम आया हूँ, लास्ट टाइम आया था अच्छा खासा बिल बना था, 6,000 रुपये मैंने दिए थे, तो उसका भुगतान आज भी बचा हुआ है, कुछ बचा कुचा, क्योंकि उस टाइम आधा दिया था ना, तो आज आधा देना है, तो इसलिए आज मैं सेकंड टाइम वाइब आया। क्या बकवास कर रही है भाई। I'm back home and मैं काफी थक चुका हूँ, ये vlog भी complete हो चुका है and I think I'm gonna end this video right here. That's it for the video now. I'm just ending this video right here. Bye bye, sayonara, Anmol out. एक सीन से दूसरे स्क्रीन को जाने में मैं बहुत